साल से अधिक समय से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर बनाए रखने वाले इतने लंबे युद्ध को देखते देखते ऊब गए हैं, लेकिन अभी नहीं थके नहीं ऊबे हैं तो रूस और यूक्रेन दोनों देश लंबे समय से युद्ध लड़ते जा रहे हैं। ये भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर इनका युद्ध कब और कहां जाकर रुकेगा। हालांकि अब एक दूसरा धड़ा ये भी सोचता है कि जल्द ही रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो सकता है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता योजना अगले कुछ महीनों में पेश की जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध को अब और लंबा नहीं खींचना चाहता। ये टिप्पणी उन्होंने गुरुवार को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। ज़ेलेंस्की यूरोपीय संघ के साथ एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रुसेल्स की यात्रा पर थे। समझौते के तहत यूक्रेन को हथियारों की डिलीवरी और ट्रेनिंग सहित सहायता की गारंटी दी गई। इसी मौके पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो अब आने वाले और सालों तक युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहता, हम नहीं चाहते कि ये सालों तक चले। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में हमारे कई लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कुछ महीनों के भीतर एक समझौता योजना पेश किए जाने की भी मांग की है। अभी तक यूक्रेन अपने मारे गए और घायल लोगों के बारे में कुछ भी बोलने को लेकर चुप्पी साधे रहा है, बल्कि उल्टा कहता रहा है कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस साल फरवरी में ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि युद्ध के दो वर्षों में केवल 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे। हालांकि रूस का अनुमान है कि मई तक यूक्रेन के 35,000 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि एक पूर्व रूसी रक्षा मंत्री ने फरवरी में लगभग 4.5 लाख यूक्रेन सैनिकों के मारे जाने का अनुमान लगाया था। कई रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूक्रेन में सैनिकों की भारी कमी है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती करने के लिए यूक्रेन ने कुछ पासपोर्ट नियमों में बदलाव भी किया था। लोगों को सेना में शामिल करने के लिए जबरदस्ती किए जाने की बातें भी सामने आई हैं। इन हालातों में तो अब युद्ध का रुकना ही यूक्रेन के लिए फायदे की बात है। इन युद्धों को जब ऐसे ही समझौतों के जरिए रोकना था तो इन्हें काफी पहले रोके जाने की पहल की जानी चाहिए थी। इससे दोनों देशों को होने वाले जान माल का नुकसान कम होता, कई निर्दोष बच्चे, नागरिक और महिलाएं मारे न जाते, कई बच्चे अनाथ होने से बच जाते।